हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि आपका मैं ईवीएस के शॉर्ट नोट्स करवा रहा था उसमें आज हम बात करेंगे एनसीएफ के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि एनसीएफ से रिलेटेड वहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट 15 टॉपिक्स करवाए थे सीडीपी में, जिसमें से मैंने आपको सारे के सारे चैप्टर के यानी कि सारे के सारे जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स करवाए थे उसके 5-5 टॉपिक बता रखे थे। ओके, तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट एनसीएफ जो बताया था तो वो ईवीएस से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो भाषा में गणित में वो वहां पर भी आपके ईवीएस पूछे जाते हैं, वहां पर भी आपके एनसीएफ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वहां के भी क्वेश्चन आपको यहां पर देखने के मिल जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यहां पर ये है कि आपका पूरा का पूरा एनसीएफ जो कि किसी भी सब्जेक्ट का हो आपको एक वीडियो में देखने को मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो का आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम विज्ञान, यानी कि आप ईवीएस के बारे में बोल सकते हो। ओके, तो ईवीएस से रिलेटेड जो आपके एनसीएफ में बोला गया है वो किन बातों के ऊपर ज्यादातर जोर दिया गया है, तो पॉइंट पॉइंट वाइज बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला, विज्ञान की भाषा प्रक्रिया एवं विषय वस्तु विद्यार्थियों की उम्र और उनके ज्ञान की सीमा के अनुकूल होनी चाहिए। यानी कि जो भी आप विषय में आप विज्ञान का हो या किसी भी प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें उसकी भाषा प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों की उम्र के हिसाब से हो और उसकी सीमाओं के अनुसार हो। ये नहीं कि उसमें इतनी टिपिकल भाषा का इस्तेमाल कर लिया जाए कि वो बच्चे उस चीज़ को समझ ही ना पाए, क्योंकि बच्चे प्राथमिक लेवल पर भाषा का ज्ञान उनको थोड़ा कम होता है और धीरे धीरे वो हाई लेवल जो कि उच्च प्राथमिक में आप जाते हो तो सौंदर्य बोध का ग्रहण करता है वो हिंदी पेडागोजी में, जो कि मैंने आपको बताया भी था। ओके, तो उसकी उम्र जो होगी उसकी जो ज्ञान की सीमा होगी उसी के अनुसार हमें सारी की सारी प्रक्रिया और विषय वस्तु को रखना चाहिए। विज्ञान शिक्षा शिक्षार्थियों उन तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध करने में सक्षम होने चाहिए जो उनकी रचनात्मक और जिज्ञासा को संपोषित करने वाली हो, विशेषकर पर्यावरण के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, विज्ञान जो शिक्षा दी जाती है उसमें शिक्षार्थियों को उन तरीकों को, यानी कि जो आपके टीचर्स हैं वो आपको उन तरीकों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, उन तरीकों को ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम रूप से क्या करना चाहिए, बार बार उनका प्रयोग करना चाहिए जो बच्चे के अंदर रचनात्मक मतलब ऐसी चीज़ों का विकास करे जो कि बच्चा अपने क्रिएटिविटी दिखाकर सामने उत्पन्न कर सके और उसके साथ साथ में बच्चों के अंदर क्या कर सके, उसकी जिज्ञासा मतलब पर्यावरण के प्रति, हिंदी के प्रति, गणित के प्रति, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उस सब्जेक्ट के प्रति वो क्या कर सके, जिज्ञासा उत्पन्न कर सके उनके अंदर, खासकर किसके लिए, पर्यावरण के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट फोकस कर रखा है क्योंकि ईवीएस आपकी ऐसी ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रोल निभाने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अगर कोई सॉल्व हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा और उसके कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं, इसलिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। नेक्स्ट है आपका, विज्ञान की शिक्षा को बच्चों के परिवेश के व्यापक संदर्भ के अनुकूल होना चाहिए ताकि उनमें काम के संसार में परिवेश करने लायक जरूरी ज्ञान एवं कौशल विकसित हो सके। मतलब विज्ञान की जो शिक्षा दी जाती है बच्चों के जो परिवेश होता है उसके आसपास का जो वातावरण होता है उस प्रकार की शिक्षा का अनुकूल देना जाना चाहिए। सरल शब्दों में कहा जाए तो बच्चे को उस प्रकार की शिक्षा देनी जानी चाहिए जो बच्चा बड़ा होकर कम से कम अपनी दो वक्त की रोटी मतलब व्यावसायिक शिक्षा उसको देनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर बोल रखा है काम के संसार में परिवेश लायक जरूरी ज्ञान उसको एवं कौशल उसके अंदर विकसित किया जा सके। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके विज्ञान से रिलेटेड। अब इसी के साथ साथ में आवास और अधिगम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा से क्या इंपॉर्टेंट है और कला से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो चुके हैं, बताऊंगा अभी मैं आपको कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले बात कर लेते हैं आवास और अधिगम। तो देखो, पर्यावरण शिक्षा सबसे अच्छी तरह से विभिन्न अनुशासनों की शिक्षा के साथ उनके मुद्दों और चिंताओं को सभी स्तर पर जोड़कर दी जा सकती है, परंतु इनमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि संबंधित गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। तो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा में देखा होगा आपने उन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करा जाता है जो कि दैनिक जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वन का जो धीरे धीरे कम हो रहा है उससे लेकर ग्लोबल वार्मिंग, इन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ये सारी चीजें तो सिखाई जाती है, लेकिन इन सारी चीजों को सिखाने के लिए क्या होना चाहिए,
पर्याप्त मात्रा में उन्हें समय दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि कोर्स करने कंप्लीट करने के चक्कर में उसको जल्दी जल्दी आगे की तरफ लेके जाया जाए। ओके, तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना चाहिए और फोकस रखते समय सभी को पर्याप्त मात्रा में समय अनुसार देना चाहिए और समझाते हुए आगे चलना चाहिए। वहीं पर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा या फिर शारीरिक शिक्षा के माध्यम से स्कूल में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव आदि की समस्या से निपटा जा सकता है, जो कि अपव्यय और अवरोधन होता है। RTA 2009 में बोला गया था इसके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर ही बच्चे के अगर आप स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा दोगे, शारीरिक शिक्षा के लिए बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज करवा सकते हो और स्वास्थ्य करने के लिए आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल पर टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप होते रहते हैं। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो बच्चे क्या होंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा, जिसके कारण बच्चा स्कूल रुकेगा भी और पढ़ने के साथ साथ आगे की तरफ विकसित भी होगा। तो इन चीजों को भी साथ ही साथ में क्या करना चाहिए, हमें इन्वॉल्व रखना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका कला। यहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि कलाओं संगीत, नृत्य, दशाला, कठपुतली कला या फिर मिट्टी की कला या नाटक आदि के लोक एवं शास्त्रीय रूपों और धरोहर को पाठ्यक्रम में समेकित घटकों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। तो डायरेक्टली आपसे पूछा गया था कि बच्चों की पाठ्य पुस्तक में कलाओं का इस्तेमाल करने का महत्वपूर्ण क्या रोल है या किस लिए उसको भूमिका दी जाती है। तो बच्चों की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो उसका सांस्कृतिक हो या फिर उसका लोक हो, दोनों को धरोहर को पाठ्यक्रम में शामिल करने का यही उद्देश्य है कि बच्चा अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को समझ सके कि हमारी कल्चर और हमारी सांस्कृतिक किस रूप से हमें प्रभावित करती है, किस रूप से हमारा कल्चर आता हुआ चलता आ रहा है। इसलिए हमें पाठ्य पुस्तक में इन चीज़ों को भी स्थान देना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है आपका पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में व्यापक होना चाहिए। मतलब जो भी आपके पर्यावरण की चिंताएं हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया या फिर धीरे धीरे हमारी नदियों का स्तर धीरे धीरे सूखता जा रहा है, पानी की समस्या आती जा रही है, उन चीज़ों को उनके प्रति जागरूक करने का हमारा मेन महत्व है। उसके पीछे हमारा पाठ्यचर्या को ये सारी की सारी चीज़ों को ऐड करना हमारा मेन कर्तव्य है। जैसे कि आप देख सकते हो उड़ीसा के अंदर क्या हो रहा है, अभी वाटर क्राइसिस आ रहा, मतलब पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है, जो कि सैटेलाइट इमेज आपने देखी होगी, वहां एक झील थी जो कि 2018 में काफी फल फूल रही थी और अब बिल्कुल सूख चुकी है। क्यों? तो वो जल के कारण ही बच्चों के, जो कि जल हो, वायु हो, किसी के भी चीज के प्रति हो, उसको क्या करना है, बच्चों को हमें जागरूक करना है दैनिक प्रति उनके जीवन में। ओके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके विज्ञान से रिलेटेड NCF 2005 में। चलिए अब बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में आपका पहला पॉइंट है कि सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिया जाने की जरूरत है, बजाय इसके कि बच्चों के सामने परीक्षाओं के लिए रखने वाली सामग्री का अंबार खड़ा कर दिया जाए। इससे उनमें समस्या या फिर सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्रता तथा आलोचनात्मक रूप से सोचने का विकास या फिर अवसर दिया जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास हो, पॉलिटिकल साइंस या कोई भी आपकी पुस्तक हो, उस पुस्तक में आपको जो सिखाया जा रहा है उसके ऊपर किसके ऊपर जोर दिया जाना चाहिए, वो आपकी अवधारणात्मक समझ के ऊपर, मतलब आपकी सोच को विकसित करने के लिए कि किस प्रकार से हमारा इतिहास था और किस प्रकार से हमारा वर्तमान है, उन चीजों पर सारी की सारी चीजों को समान रूप से समझाने के लिए हमें जोर दिया जाना चाहिए, ना कि हमें परीक्षाओं में नंबर को प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए सामग्रियों का अंबार खड़ा कर ले। देखा होगा आपने कि कई बार आप भी पुस्तक ले लेके खरीद खरीद ढेर लगा लेते हो लेकिन उसमें से आप पढ़ते नहीं हो। तो पुस्तकों का होना, भले आपके पास एक पुस्तक हो लेकिन उसका ज्ञान आपको पूर्ण रूप से होना चाहिए, तभी आप उस चीज का पुस्तक का आपको फायदा होगा। इसलिए बच्चों को सामाजिक विज्ञान के अंदर उनकी अवधारणात्मक समझ को विकसित करना है, ना कि परीक्षाओं में अंक प्राप्त करने के लिए सामग्री का अंबार खड़ा कर देना है। ओके, नेक्स्ट है अवसर मिलेंगे प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं, ध्यान रखिएगा जो कि अवसर मिले उनको कि प्रमुख राष्ट्रीय चिंतन लैंगिक न्याय, मानव अधिकार और हैश्य, यानी कि वो बच्चे जो पिछड़े वर्ग से पहली बार अपने स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं, के समूहों तथा अल्पसंख्याओं के प्रति संवेदनशीलता को विकसित किया जाने की, अतः
अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले उन चीजों के लिए जो क्या है, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे विकास के लिए, मानवता के लिए जरूरी है, चाहे वो आपका लैंगिक न्याय हो, मानवाधिकार हो, या राष्ट्रीय चिंताएं जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण मैंने आपको बताया, या फिर उन बच्चों के प्रति जो हैसिय पड़े पहली बार स्कूल में आ रहे हैं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं वो क्या कह रहा दिखा रहे हैं, अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास ना होने दे। ओके, नेक्स्ट है आपका नागरिक शास्त्र को राजनीतिक शास्त्र में तकदील कर दिया जाए तथा इतिहास को बच्चों के अतीत तथा नागरिकता का पहचान की अवधारणाओं पर प्रभाव डालने वाले विषय के रूप में पहचाना जाए। तो यहाँ साफ साफ क्या बोल रहा है, नागरिक शास्त्र जो है उसको बदल कर आप क्या कर देना चाहिए, राजनीतिक शास्त्र कर देना चाहिए, जिसमें इतिहास के बच्चों को जो अतीत में बीता हुआ है ना उसकी नागरिकता का पहचान करने के लिए, उसको अच्छे से समझाने के लिए, उसको अच्छे से पहचानने के लिए उन पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, ना कि रटने की प्रवृत्ति पर। ओके, तो वो थे आपके शुरू के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के। चलिए अब बात कर लेते हैं भाषा और गणित से रिलेटेड एनसीएफ में क्या कहा गया है। तो पहले बात कर लेते हैं भाषा के बारे में। तो लिखने, बोलने, सुनने एवं पढ़ने की भाषिक क्षमता स्कूल के सभी विषयों और अनुशासनों के शिक्षण से विकसित होती है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च प्राथमिक शिक्षा या फिर स्तर तक बच्चों के ज्ञान निर्माण में उनके बुनियादी महत्व को समझना आवश्यक है। यानी कि आपको चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, या सुनने हो, या फिर पढ़ने की भाषिक क्षमता को स्कूल के साथ साथ उनके अनुशासनों को भी जगह देनी चाहिए। और आपका प्राथमिक लेवल से लेकर उच्च प्राथमिक लेवल तक, यानी कि जब बच्चों की हर स्थिति में भाषा को उपयोग करने से लेकर सौंदर्य बोध तक प्राप्त करने के बीच में जो उनकी बुनियादी महत्व है, जो उनके दैनिक जीवन के लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। जैसे कि प्राथमिक लेवल पर बच्चों की भाषा, यानी कि किसी भी प्रकार की स्थिति हो, उस स्थिति में बच्चा अपने भाषा का प्रयोग किस प्रकार से करेगा, उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है शुरू में। ओके, ना कि व्याकरणी ज्ञान पर। नेक्स्ट है आपका त्रिभाषा फॉर्मूला को पुनः लागू किया जाने की दशा में काम किया जाना चाहिए, जिसमें बच्चों की घरेलू भाषाओं और मातृभाषाओं की शिक्षण की माध्यम के रूप में मान्यता देने की ज़रूरत है। इसमें आदिवासी भाषा भी शामिल है। यानी कि साफ कह रखा है कि जो त्रिभाषा रूल था, यानी कि आपको एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक अन्य भाषा यहाँ पर आपको सीखने की। अब यहाँ पर हिंदी कहने का मतलब मेरा ये है कि मातृभाषा और एक भाषा आपकी इंग्लिश और एक भाषा अन्य कोई आप चुन सकते हो जो कि मातृभाषा और हिंदी को छोड़कर हो। इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर क्या होगा, वो बहुभाषिकता का विकास होगा, जिसमें संज्ञानात्मक विकास उसका अच्छा होगा, उसका चिंतन, मनन, स्मरण करने की शक्ति बढ़ेगी, जिसमें आपकी घरेलू भाषाओं के साथ साथ उन वासियों की भी भाषा है जो कि पिछड़े वर्ग में कहीं ना कहीं आते हैं, मतलब आदिवासी लोगों की भी भाषा इसमें शामिल करने की बात की गई है। नेक्स्ट है अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेजी भी हमारे देश में कई राष्ट्रों में बोली जाती है जो कि उनकी मातृभाषा के रूप में होती है। ओके, जैसे तमिल, तेलुगु, उड़िया है, उसी प्रकार से आपके इंग्लिश भी कई राज्यों में मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसलिए अंग्रेजी को भी अन्य भारतीय भाषाओं के बीच में क्या दिया जाना चाहिए, जगह दी जानी चाहिए। और भारतीय समाज में बहुभाषिकता प्राकृति को स्कूल जीवन के समृद्ध के लिए संसाधन के रूप में देखना जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बहुभाषिकता मतलब मल्टीलिंगुअल किसके द्वारा ये कहा गया है कि संसाधन के रूप में हमारे लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ध्यान रखिएगा एनसीएफ 2005 ने कहा है कि बहुभाषिकता मतलब दो या दो से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान आपके लिए किसी भी प्रकार का संकट नहीं उत्पन्न करता है, वो आपके लिए संसाधन के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट भाषा से संबंधित। अब बात कर लेते हैं गणित से संबंधित में एनसीएफ में क्या कहा गया है। तो गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य गणितीकरण, ध्यान रखिएगा गणित शिक्षण का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो क्या करना होता है, बच्चे का गणितीकरण करना होता है, मतलब तार्किक ढंग से सोचने के लिए अमूर्त, यानी कि वैसी चीज स्थिति जब आप अपने माइंड में ही सोचने लग जाए कि गुणा करने पर क्या होगा, जमा करने पर क्या होगा, अमूर्तनों का निर्माण करने पर तथा संचलित करने की योग्यता का विकास करना, मतलब माइंड के अंदर ही सारी चीज को संचलित कर लेते हैं
जैसे कि शुरू शुरू में हम क्या करते हैं, दो डंडी खींचकर चार जोड़ लेते हैं उसको, लेकिन अब हमें मन ही मन में सारी चीज को इकट्ठा कर लेना है, दो जमा दो चार हो गया। तो इन चीजों के ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होता है। गणित शिक्षा का महत्व यही है कि तार्किक ढंग से बच्चा सोच सके, मनन कर सके, विचार कर सके, अमूर्त धन से उस चीज का निर्माण कर सके और सारी ही सारी चीजों को संचालित करने की उसके अंदर योग्यता विकसित हो होनी चाहिए। ये मेन फोकस होता है आपका गणित शिक्षण का, ना कि गणित का ज्ञान जैसे कि औपचारिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया, मतलब रटे रटाए फॉर्मूले सारे याद करवा देना, फॉर्मूले के बेस पर सारे क्वेश्चन करवा देना, ये कभी भी आपका गणितीकरण का या फिर गणित शिक्षण का ये मुख्य लक्ष्य नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो गणितीकरण करना होता है। ये ना हो तो तार्किक ढंग से सोच अमूर्तन कर निर्माण और संचालित करने की योग्यता का विकास करना होता है। ये पॉइंट तो आपको एज इट इज लिखा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ में बच्चों के अंदर तार्किक ढांचे की सोचने की क्षमता का विकास करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तार्किक ढंग से सोचने का मतलब क्वेश्चन सॉल्व ना हो रही हो तो वो यहाँ पर हार मान के ना बैठ जाए कि ये होगा ही नहीं, वो क्यों नहीं हो रहा उसके पीछे का कारण ढूंढना और फिर उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तार्किक ढंग का सोचने की हमारे अंदर क्षमता का विकास हो। और गणित की बेहतर शिक्षा का हक हर बच्चे को है। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति गणित को सही तरीके से सीख नहीं पा रहा है, उसके प्रति शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उसकी शिक्षक को उसकी मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गणित को बेहतर शिक्षा वो हर बच्चे का हक है। किसी भी बच्चे से ये नहीं कह सकते कि आप गणित नहीं सीख सकते, तुम्हारे बस की नहीं है। सब बच्चे समान रूप से गणित सीख सकते हैं अगर उसके सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आप उसकी मदद करोगे तो। ओके, तो ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो या भाषा हो, उनमें एनसीएफ ने क्या कहा है उन चीज के ऊपर फोकस करते हुए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके एनसीएफ के 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट में, तो एक बार इनको 2 बार देखकर इस पर रिविजन कर लीजिएगा ताकि आपके सारी की सारी चीजें वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपके वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।